एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आप सभी के बीच नेक्स्ट नाइन न्यूज की तरफ से हमारा ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है फ्यूचर बॉलीवुड, जिसमें हम पॉपुलर के स्टार्स से जुड़ी कुछ बेहद ही खास बातें करने वाले। जी हाँ, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है फ्यूचर बॉलीवुड। और इस स्पेशल एपिसोड में आज हम इस प्रोग्राम के साथ लेकर आए हैं कुछ बेहद दिलचस्प न्यू अपडेट्स। बोल तो फिर देर किस बात की फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। जी हाँ, इस प्रोग्राम की शुरुआत के साथ हम पहले आप सभी के बीच बात करेंगे कपूर फैमिली के बारे में। बोनी कपूर की दोनों ही बेटियां जो बेहद मासूम, बेहद खूबसूरत होने के साथ बेहद ग्लैमरस भी है और अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त भी है। लेकिन क्या आपको पता है बोनी कपूर की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर, जहाँ एक तरफ अपने को स्टार ईशान खट्टर के सपोर्ट में उनकी फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स के स्क्रीनिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा हॉट अवतार में नजर आई, काफ़ी शर्माती नजर आई, वहाँ दूसरी ही तरफ खुशी कपूर उस इवेंट में स्क्रीनिंग के दौरान काफ़ी खुश भी नजर आई। उनके चेहरे पर खुशियाँ लौटते देख फैंस थोड़ी राहत की सांस ले रहे थे, थोड़ा सुकून मिला फैंस को, श्रीदेवी के फैंस को, जिन्होंने श्रीदेवी के जाने के बाद उनकी दोनों ही बेटियों के चेहरे पर मायूसी ही देखी, जिन्होंने श्रीदेवी के निधन के बाद महीनों तक उनकी दोनों ही बेटियों की मायूसी में उदासी बयां किया है। वल शुरुआत करते हैं पहली रिपोर्ट के बारे में, हम बताते हैं आपको, हम बताएंगे इस रिपोर्ट में बोनी कपूर किस तरह गले लगाकर अपने दामाद की तरह ईशान खट्टर को प्यार दे रहे थे। जी हाँ, जो उनके रियल दामाद है यानी कि फिल्म धड़क से डेब्यू करने जा रही जाह्नवी कपूर के को स्टार, वहां पर किस तरह से बोनी ने उन्हें गले से लगा लिया, देखते हैं ये खास झलक। जी हाँ, आखिरकार अपने दामाद ईशान खट्टर को गले लगाकर बोनी कपूर ने जताई है खुशियां। सोच रहे होंगे आप ही कैसे हो गए ईशान खट्टर बोनी कपूर के दामाद, तो इस बारे में हम आपको बता दें, दरअसल बोनी कपूर के दामाद ईशान खट्टर यूं ही नहीं बने, बल कहानी है ये पर्दे की। जी हाँ, ईशान खट्टर जो बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स के साथ साथ धड़क के जरिए, इसे लेकर है ये खबर कि फिल्म धड़क में बोनी की बेटी जाह्नवी कपूर नजर आएंगे। ईशान के ऑपोजिट देखना होगा कि इस फिल्म में अगर ईशान और जाह्नवी की बॉन्डिंग शादी के रिश्ते तक जाती है तो कहीं ना कहीं दामाद तो बन ही जाएंगे ईशान बोनी कपूर के, रियल दामाद तो सही बन ही जाएंगे बोनी के ईशान खट्टर। वहीं आपको बता दें जाह्नवी कपूर बोनी और ईशान को जब गले लगाती देखती नजर आई तो वो भी शर्मा गई। दरअसल ये मौका था बियॉन्ड द क्लाउड्स स्क्रीनिंग का, जहां पर बोनी और जाह्नवी पहुंचे थे ईशान को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने जाह्नवी कपूर के साथ साथ खुशी कपूर और ईशान खट्टर के साथ साथ बोनी कपूर की बॉन्डिंग। आपको बता दें इस मौके पर कपूर फैमिली के सभी सदस्य मौजूद थे। जी हाँ, इस मौके पर कपूर फैमिली यानी कि मीरा राजपूत, शाहिद कपूर और नीलिमा आजमी के साथ साथ राजेंद्र खट्टर भी थे। तो वहीं दूसरी तरफ बोनी कपूर अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे थे, अपनी बेटियों के साथ सपोर्ट करने आए थे बेटी के साथ डेब्यू करने जा रहे हैं ईशान खट्टर का। लेकिन अब अगली रिपोर्ट की तरफ बढ़ने का हो चुका है वक्त, तो आपको बता दें हमारी अगली रिपोर्ट किसे लेकर है। वल सही समझ रहे हैं आप, अगली रिपोर्ट भी कपूर फैमिली को ही लेकर है और कपूर फैमिली की छोटी बेटी श्रीदेवी की जानू खुशी कपूर की हम बात कर रहे हैं, जो जाह्नवी की ही तरह अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम बिताने को लेकर खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं। पर उनका नाम है नील, जिनके साथ खुशी की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा गहरी हो चुकी है और उनको मिला है नील का सहारा एक हमसफर की तरह। कहा जा सकता है कि नील बन सकते हैं खुशी कपूर के हमसफर, जिन्होंने दोस्ती निभाई है जिस वक्त खुशी कपूर को सबसे ज़्यादा एक सहारे की ज़रूरत थी। माँ को खोने के बाद खुशी जो अकेलेपन के वक्त में उस भयानक वक्त को याद कर रही होंगी जब उनकी माँ ने हमेशा के लिए उन्हें छोड़ दिया, उस वक्त उन्हें साथ दिया, उनके साथ हमेशा खड़े रहे उनके फ्रेंड नील, जिन्हें लेकर खबरें आ रही है कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये श्रीदेवी के दामाद बन जाए, बोनी कपूर के रियल दामाद बन जाए। तो देखते हैं खास रिपोर्ट, जानते हैं कौन है वो।
स्वर्गीय अदाकारा श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब तक कदम नहीं रख पाई हैं कि इससे पहले ही उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर लाइमलाइट में बने रहने की वजह दे दी है। जी हाँ, खुशी जो मॉडलिंग करियर को लेकर चर्चाओं का विषय बनी रही, उन्हें लेकर एक नई खबर आई है कि खुशी की बॉन्डिंग उनके क्लोज फ्रेंड नील के साथ काफी ज्यादा खुलेआम शेयर करने की वजह से उन्हें एक और नई वजह दे रही है चर्चा में बने रहने की। जी हाँ, श्रीदेवी के निधन के बाद उनकी बेटी खुशी कपूर एक लंबे समय के बाद अपने स्कूल की प्रॉम नाइट में नजर आई थी खूबसूरत अवतार में, जिसके बाद खुशी को देखा गया था बियॉन्ड द क्लाउड्स मूवी के स्क्रीनिंग के दौरान अपने पिता बोनी कपूर और बड़ी बहन जानवी के साथ थोड़ी थोड़ी हंसती खिलखिलाते। अब जो नई खबर आई है सामने वो ये है कि नील के साथ खुशी कपूर की क्लोज बॉन्डिंग कहीं ना कहीं इस बात को बयां करती है कि खुशी इनके साथ आने वाले दिनों में सात फेरे के बंधन में भी बन सकती है, या यूं कह लीजिएगी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए इनका हाथ थाम सकती है। मतलब श्रीदेवी के निधन के बाद खुशी कपूर के दूल्हा बनेंगे नील या नहीं, या फिर ये दोस्ती टूट जाएगी या सिर्फ ये सिर्फ दोस्ती है, वाल इसका इंतजार हमें भी है। उम्मीद है कि खुशी कपूर का साथ नील यूं ही देते रहे उनके हर सुख दुख के घड़ी में। तो देखा आपने, ये है खुशी कपूर के फ्रेंड नील देवन, जिनके बारे में हमने आपको बताया। वैसे आपको हम बता दें, इनके बारे में कुछ और जानने के लिए आप सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर भी खुशी कपूर के फैन पेज को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए आप सभी हमारे चैनल को भी फॉलो ज़रूर करें। जी हाँ, वक्त हो चुका है आप सभी से इजाज़त लेने का, लेकिन इससे पहले हम आपको एक और ख़ास रिपोर्ट दिखाएंगे जो कि खुशी और जानवी नहीं बल्कि बॉलीवुड के सिंघम एक्टर न्यासा देवगन को लेकर है। न्यासा देवगन के भी बॉयफ्रेंड की खबरें काफ़ी चर्चा में, तो देख लेते हैं ये रिपोर्ट भी। जी हाँ, इस रिपोर्ट में हम आप सभी की नजरें उस तरफ सबसे पहले ले जाना चाहेंगे जिसमें एक लड़के के साथ नजर आई है बॉलीवुड के सिंघम एक्टर अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन। वेल, कहा तो ये भी जा रहा है कि न्यासा का इस लड़के के साथ जरूर कोई ना कोई चक्कर है, लेकिन इस बात की कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं कि वाकई में न्यासा का कोई बॉयफ्रेंड है भी या नहीं। लेकिन न्यासा की ये मेल फ्रेंड्स न्यासा के बेहद क्लोज है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, क्वालिटी टाइम बिताते हुए न्यासा ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का डर नहीं था कि उनके पिता अजय, जो बॉलीवुड के सिंघम एक्टर कहलाते हैं, जिन्होंने काजोल को भी हमेशा बाकी उनके फ्रेंड्स से दूर रखा, वो अपनी बेटी को भी उनके फ्रेंड्स से दूर रख सकते हैं। आपको बता दें, तस्वीरों में ही खुल गई थी पोल कि इन लड़कों के साथ न्यासा का कोई खास रिश्ता भी है और उनमें से ये लड़के हैं जो न्यासा के साथ खास दोस्ती निभाते आए हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये है न्यासा देवगन के बॉयफ्रेंड कहलाने वाले एक ऐसे शख्स जिनके साथ न्यासा को एक बार नहीं कई मौके पर स्पॉट किया जा चुका है। हालांकि वो तस्वीरें वायरल नहीं हो पाई है, लेकिन खबरें यही है कि न्यासा भी अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना पसंद करती है। ये बात अलग है कि न्यासा ग्लैमरस लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करती, यही वजह है कि वो अपने प्राइवेट मोमेंट को भी सोशल मीडिया पर अपने पापा मम्मी यानी कि अजय देवगन और काजोल के फैंस के लिए शेयर नहीं करते। आपको याद दिला दें, ये न्यासा की हरकतें नहीं बल्कि ये उनका अंदाज है। अजय देवगन ने हाल ही में अपनी फिल्म रेड के प्रमोशन के दौरान काफ़ी कुछ कहा और फिर अपनी बेटी न्यासा देवगन के बारे में बात करते हुए उन्होंने एक बात बताई कि उनकी बेटी को फिल्मी लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं। न्यासा देवगन को दिलचस्पी नहीं है फिलहाल फिल्मों की तरफ, यही वजह है कि वो सिंगापुर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही हैं और अपनी एजुकेशनल लाइफ को पूरा करने में व्यस्त है। खैर, अब देखना होगा कि न्यासा के साथ जो शख्स नजर आए हैं क्या उनके दोस्त है या फिर उनके हमसफर। खैर, अभी न्यासा की उम्र भी बहुत छोटी है तो इसकी उम्मीद ना ही की जाए, बेहतर है हम उम्मीद करें कि अजय और न्यासा की बॉन्डिंग हमेशा बनी रहे, अजय और काजोल की बेटी यूं ही अपनी फैमिली का नाम ऊंचा करते रहें। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया आप सभी से इजाजत लेने का। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर लौटेंगे इसी प्रोग्राम फ्यूचर बॉलीवुड में अगले एपिसोड को लेकर। अगले एपिसोड में कुछ बेहद ही खास फ्यूचर बॉलीवुड यानी कि अपकमिंग जनरेशन से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बीटाउन के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करने के साथ। नमस्कार।
सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।